नेक्स्ट कॉलर है फरीदाबाद से पुष्पा, हमारे साथ स्वागत है आपका। हाँ जी जी, नमस्कार जी। जी, आदाब। हेलो। जी पुष्पा जी, फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, मैं नमस्ते जी। हेलो जी, हाँ हेलो। हाँ सवाल कीजिए। जी, मेरे ना कमर में दर्द रहता है, ज्यादा कमर में दर्द रहता है। जी बहुत ज्यादा रहता है। मैं जो है एक रोटी भी नहीं बना सकती। ठीक है अच्छा, कितने वक्त से है आपको ये तकलीफ और क्या उम्र है जी, आपकी? मेरी उम्र 57 है और मुझे कम से कम 28 साल से है ये पेन। अच्छा बेटा, देखो एक बात मेरी गौर से सुनो। सब इलाज किए हैं आपने और आज भी दवा लेनी पड़ती हुई जब इतनी तकलीफ है कि एक रोटी भी नहीं बना सकती। तो मैं अगर आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि जो आप 100-200 ग्राम खरीद लो और वो ख़त्म होते होते आप बिल्कुल अच्छी हो जाओ, रोटी क्या आप सब काम करने लगो, तो वो आप गौर से सुनो। देखो काला गोंद मैं हमेशा बताता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान तक बात पहुँचा दी मैंने, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर, भारत से बाहर भी लोग इसकी बड़ी डिमांड रहती है और हम भी डिमांड पूरी नहीं कर पाते। आपको असली मिल जाए कहीं तो असली ही लेना। अच्छा, ये बड़ा कड़वा, बड़ा बुरा देखने में, काला गोंद कहते हैं, गोंद स्याह भी कहते हैं, और ये ब्राउन से कलर का होता है। असली लेना ज़रूरी है, बस आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाइए, और अगर आपको ऊपर वाला फ़ायदा दे दे इसके ख़त्म होने से पहले, तो फिर आप मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना कि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँ। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं पठानकोट से मधु, हमारे साथ स्वागत है मधु जी आपका। नमस्कार जी, जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, तेज आवाज में बात कीजिए। जी, हेलो। जी बोलिए, सवाल करिए। होता है खून जाता है, खास में नहीं होता, होता है आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक बार दोबारा रिपीट करिए अपना सवाल। नमस्कार जी हाँ जी जी बताइए। नमस्कार। मेरे सर में दर्द है। सिर में दर्द होता है सुबह सुबह। हेलो ठीक है ठीक है, हेलो। बोलिए सुबह आगे सुबह दर्द बोलिए। होता है, हाँ 2 मिनट के लिए दर्द होता है, फिर सारा दिन नहीं होता। ठीक है, दो अच्छा मिनट रोज के लिए होता है? सुबह सुबह रोज दर्द होता है क्या? होता है। हाँ जी, सुबह सुबह होता है 2 मिनट के लिए। रोज होता है? हाँ जी, सुबह सुबह होता है, फिर सारा दिन नहीं होता। जी सुबह सुबह ही होता है, बस उन्हें रोज सुबह सुबह होता है 2 मिनट के लिए। ठीक है जी ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे आप बैठे किसी कुर्सी पर और ये आपका ये हिस्सा कोई ऊपर ऐसे उठाने की कोशिश करे, आप नहीं उठ पाए लेकिन खींचे ऐसे ऊपर को उठाएं, ये एक फिजियोथेरेपी है। और एक ये कि आप बेड पे ऐसे सीधे लेट जाएं और उस तरफ को सर करें जिस तरफ पैर किए जाते हैं, और अपनी ये मुंडी ऐसे नीचे को लटका लें और बाकी जिस्म आपका सीधा बेड पर रहे। ऐसे दिन में 5-6 बार लेटा करें, और मैं दवा भी बताऊंगा लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजियोथेरेपी है। 4-5 बार कोई आपको ऐसे उठाए गर्दन से ऊपर को और 4-5 बार आप ऐसे लेटे, 5-5 मिनट लेके लेटेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और खाली इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और फिर अगर इससे भी फ़ायदा कम लगे या कुछ ऐसा हो तो अखरोट प्राश नाम से एक दवा आती है, माजून अखरोट प्राश, वो सुबह सुबह निहार मुँह खाया करें गर्म पानी से, और 2 टाइम भी ले सकते हैं सुबह शाम, और गर्म पानी 5 बार पिए तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं डॉक्टर बलवंत हमारे साथ रोहतक से, स्वागत है आपका। हाँ जी, डॉक्टर बलवंत मैम से रोहतक से। अभी हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब आपके बारे में बता रहे थे, मेरा पोता है 12 साल का, उसको सामने देखता है बराबर में दिखाई देता है। अच्छा जी आप अभी बता रहे थे ना, तो कट गया था। ठीक है,
क्या क्या वो उसकी आंखें सीधी है जो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? डॉक्टर बता रहे, मेरा पोता है 12 साल का, उसको सामने देखता बराबर देखता, तो उसके लिए क्या करना है? ठीक है, मैं समझ गया। ये बताइए, एक आंखें तो नॉर्मल होती है जैसे आपकी और हमारी हैं, और एक आंखें नॉर्मल है डॉक्टर साहब, नॉर्मल है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, आप सुनिए गौर से मेरी बात। एक गाजर का जूस, जब तक भी गाजरें चलती हैं, अब तो शायद 12 महीने मिलने लगी, देसी गाजर, वलायती गाजर, नीली गाजर, लाल गाजर, कुछ ना कुछ मिलती है। एक गाजर का जूस रोज़ाना बच्चे को दें और एक महीने बाद उसकी रिपोर्ट शेयर करें। अगर फ़ोन नहीं लग सके, आप डॉक्टर हैं देखिए, तो हेल्पलाइन नंबर से भी आप मदद ले सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर है पंकज राय, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है पंकज जी आपका। हाँ नमस्ते मैम जी। पंकज जी यादव, माता जी जो राइट हैंड है ना, राइट लेग जो पैर है उनका, उसमें उनको ना काफी देर बैठने के बाद स्वेलिंग हो जाती है और उठ नहीं पाती है सही, बीच ही पैर में दिक्कत आती है। एज 60 के करीब है, मतलब 58 या 59। देखिए, 500 ग्राम अलसी हल्का सा भून के भून लें, और फिर 100 ग्राम आपको लेना है गौंसिया। ये दोनों रॉ मटेरियल अपने घर में पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम इनको खिलाएं, तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए पंकज जी, एक बार आप ये नुस्खे अपना के देख लीजिएगा, ज़रूर आपकी माता जी को बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए दर्श को बार बार कहा जाता है कि आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि नुस्खे बहुत कीमती होते हैं, जो रॉ मटेरियल आप लोगों को बताए जाते हैं आपके किचन में भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो शायद आपको मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन असली नकली में आपको पहचान करनी होगी, और सीधे आप लोगों को एक एक रॉ मटेरियल के बारे में हकीम साहब बताते हैं। तो अगर आपको कोई भी रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत परेशानी होती है, तो उसके लिए आप हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं रॉ मटेरियल, तो इंतज़ार कीजिएगा, आप तक असली पहुँचाया जाएगा, एकदम असली दर्श को घर बैठे बैठे बना लीजिएगा। और खुद बनाना है आपको पाउडर, कितने ग्राम आपको सेवन करना है, कैसे सेवन करना है, कौन से परहेज करने हैं, एक एक बात आप लोगों को बताई जा रही है। तो अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। कि बालों को लेकर आपसे हमने बहुत सारी बातें तो की हैं अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन कुछ लोगों के बालों में एक डैंड्रफ भी होता है, एक कुछ परतें जम जाती हैं कुछ लोगों के, तो बार बार उनका हाथ सर पे ही जाने लगता है, वो समझ नहीं पाते कि क्या करें। ऑयलिंग करते हैं लेकिन तब भी वो फ्यास की तरह निकलती है बालों में से, तो उन लोगों को क्या कुछ नुस्खे अपनाने चाहिए? तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा एक नुस्खा है जी, और अक्सर तो पता नहीं अब पुरानी औरतें, नई जो महिलाएं हैं वो ऐसा करती हैं कि नहीं, पुरानी औरतें तो ये घर में जो दूध की बालाई होती है ना, बलाई जिसे कहते हैं, उसका असली नाम बालाई है, तो ये जमा कर करके उसमें से घी निकाल लेते हैं। हाँ जी। तो वो घी आप अपने बालों में लगा के रात को सोइए और सुबह को वॉश कर लीजिए। ऐसा अगर आपने 4-6 बार भी किया तो ये डैंड्रफ, ये खुश्की, ये परत, इन सबसे निजात मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक हैं, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम लखनऊ से बात कर रहा हूँ मैं जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम ये हम लोग जैसे आजकल थोड़ा शरीर में कमजोरी कमजोरी सी लगती है, जैसे दिन भर काम करते हुए हम दिन भर वीकनेस लगती है शरीर में। अभी हम लोग की 32 की आसपास की एज है। ठीक है, और इस तरह की कुछ समस्याएं रहती है, इसमें क्या कर सकते हैं ज्यादा अच्छा है? हाँ देखिए, वैसे तो शुरू में काम चलाना चाहिए, जूस वगैरह पी के या मल्टी विटामिन लेकर अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए, और अगर उससे ना हो तो फिर हमें अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए, बॉडी और पेट का। जैसे हम जो कुछ खाते हैं उसका एक रसायन तैयार होकर हमारे जिस्म को लगता है, अगर ये जिस्म को लगना बंद हो जाए तो
तो हमें कमज़ोरी वीकनेस बहुत लगती है, और हम यंग होते हुए भी ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं। ये हालत अच्छी नहीं, क्योंकि इसमें फिर हम हमारी हड्डियाँ और घिसने लगती हैं और खाली होने लगते हैं, हम अंदर से खोखले होने लगते हैं। तो अगर इससे काम नहीं चले, मल्टीविटामिन के और कैप्सूल लीजिए जिसमें जिंक भी हो, तो चूना भी हो, कैल्शियम हो, मल्टीविटामिन्स हो, विटामिन D3 हो, ऐसी गोलियां बहुत सस्ती सस्ती आती हैं, एलोपैथ ले सकते हैं, अच्छी बनाता है वो। और अगर उससे काम ना हो तो फिर आप सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और आंवला, सौंठ, सौंफ, जीरा, अजवाइन, आंवला और मोरिंगा का गोंद, एक मोरिंगा एक बहुत अच्छा पेड़ है जिसका गोंद निकलता है, उसकी बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा उसका ख़रीदार है जापान, वर्ल्ड का 70-80% ये दवाओं का, आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं का सबसे बड़ा ग्राहक वो है, तो बाहर तो इनकी बहुत अच्छा डिमांड है। तो इसमें 150 ग्राम गोंद मोरिंगा मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, खाने से पहले खाएं तो बहुत अच्छा, खाने के बाद भी खा सकते हैं, तो आपकी इतनी तवानाई जिस्म में आएगी, और चाहे आपकी जिस्मानी कमज़ोरी हो चाहे मर्दाना कमज़ोरी हो, वो सबकी पूर्ति करने लगता है जी। नेक्स्ट कॉलर है ग्वालियर से, रोहित हमारे साथ। हाँ, मेरी ये दादी है, उनका है ना पेट में अल्सर हो गए उनके, हाँ, तो उसकी वजह से उनके जो हाथ पैर ना सुन होने लगते हैं और उनका खाना पचता नहीं है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? उनकी अभी उम्र है 85 साल है उनकी उम्र। ठीक है। अच्छा देखिए, आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपकी दादी भी अभी जिंदा है, और बहुत बड़ा रिश्ता है ये माँ बाप का और दादा दादी का, नाना नानी का, और उनका आप इतना ही ख्याल रखा करिए जितना आप उनके लिए फ़ोन कर रहे हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है, बड़ी दुआएं देता हूँ उनके लिए जो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। आपको देखिए, अल्सर एक ख़तरनाक मर्ज है जो उल्टी सीधी दवाएं खाने से होता है, तो उनको आप रोज़ाना एक चम्मच कम से कम अरंडी का तेल पिलाया करें। ये कैस्ट्रोल ऑयल भी कहा जाता है इंग्लिश में, गांव की ज़बान में अरंडी का तेल, एक टाइम या दो टाइम एक एक छोटा चाय का चम्मच पिलाया करें ताकि उनका अल्सर ठीक हो सके। जब पत्थर बेल यानी बेल पत्थर जो आती है वो हो ताज़ी, तो उन्हें रोज़ खिलाया करें और उस पर पानी खूब पिलाया करें, और दवा की अगर ज़रूरत पड़े तो वैसे इससे टाइम बहुत लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। अंजीर दूध में उबाल कर उन्हें पिलाया करें, इससे भी आपकी दादी ठीक हो सकती है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। और कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिससे उनका पेट में कब्ज़ हो जाए, आसानी से हज़म होने वाली चीज़ें दें और ये शुरू कर दें आप, और कोई भी इलाज साथ में कर सकते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये शुरू करेंगे तो राहत होती जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, तो रोहित जी परहेज़ ज़रूर करिएगा, उनको लाभ ज़रूर मिलेगा, नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। मोतीलाल जी हैं हापुड़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैं आगम जी से बात करने चाह रहा था। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी, आपका कलाम सुन रहा। जी जी, अच्छा जी, वालेकुम सलाम, आदाब। अच्छा, हुक्म कीजिए, बताइए क्या सेवा की जाए। सेवा यू है हकीम जी, मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, और सांस की बीमारी है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट होने के बाद में सांस बन गया। अच्छा, आप चल फिर सकते हैं ना? ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कूल टूट गया। देखिए, जीरा 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम और धनिया 200 ग्राम और सौंठ 200 ग्राम सबको 200 ग्राम लें, और कलौंजी का नमक एक आता है, नमक कलौंजी भी कहते हैं, और ये 150 ग्राम इसमें मिला लीजिए। घर में सब रॉ मटेरियल लीजिए
और घर में पाउडर बनाइए और एक चम्मच सुबह गर्म पानी से और शाम को भी ले सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा चाहिए तो। और धूप में बैठा करें और 5 बार खूब गर्म पानी पिए, इतना गर्म कि आप चुस्कियाँ लेते लेते पिए चाय की तरह, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।